देखिए अब जितने लोग बचे हैं वो घर चले जाएं और जो घर हो उनको यहाँ भेजें, क्योंकि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम से खाली हो गए होंगे और आप लोग जाके स्वतंत्रता दिवस मनाइए। हम आए जब यहाँ तो कुर्सियाँ खाली देखकर एक आदमी से पूछे कि भैया आइए बैठिए, कम से कम सुनिए कभी सम्मेलन। तो वो कहे कि अरे यार हमको टाइम नहीं है। दूसरे से कहे तो वो भी कहे हमको टाइम नहीं है। तीसरे से कहे तो वो भी कहे हमको टाइम नहीं है। हम कहे कि बड़े जो है आश्चर्य की बात है, किसी को टाइम नहीं है तो हमारे देश की आबादी 1.25 अरब कैसे हो गई भैया? आखिर आप लोग क्या करते हैं? उसके लिए फुर्सत है, इसके लिए फुर्सत नहीं है? तो आप लोग कम से कम हमें बहुत खुशी है कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। देखिए यहाँ हर साल कवि सम्मेलन होता है, मैं तो आज लगभग जब से शुरू हुआ है तब से बराबर आता रहता हूँ और आप लोग हमें हमेशा सुनते रहते हैं। आज भी मैं आपको गीत सुनाऊंगा। मैं कभी जल्दी कोशिश नहीं करता कि पुराना गीत सुनाऊं। अभी परियार साल आसाराम पर सुनाए थे, इस बार आपको बाबा पर सुनाएंगे कि बाबा कैसे होते हैं। और कवि क्या है पहले इसके बारे में आप जान लीजिए। इसके पहले मैं अपने श्रद्धेय अध्यक्ष जी को चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। अगर आप लोगों का भी दिल छू जाए कहीं से तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा कि आप आए यहां मन कमल खिल गया, जैसे भगीरथ को गंगा का जल मिल गया। और जिंदगी में जटिल प्रश्न लाखों रहे, आपके आगमन से ही हल मिल गया। और एक मुक्तक और दे रहा हूँ आप लोगों को और अपने कवि बंधुओं को खास करके दे रहा हूँ कि बेवजह मुस्कराना नहीं चाहिए, बेवजह मुस्कराना नहीं चाहिए, व्यर्थ सरिता बहाना नहीं चाहिए। सीख जो कि जमाने को दे ना सके, ऐसी कविता बनाना नहीं चाहिए। तो साथियों, हमेशा हमारा कर्तव्य होता है कि हम लोग ऐसी कविता बना के उससे कुछ सीख मिले। एक आदमी चुनार में हमसे मिला इसी जगह का, तो कहा कि कवि जी नमस्कार। हमने कहा वही नमस्कार, आप हमको पहचाना? कि हाँ, आप हमारे हरोरा गए थे तो हम कहे वहाँ हम लोग कार्यक्रम किए थे, कैसा लगा? कि उसमें सबसे बढ़िया क्रियाक्रम आपका लगा। अब आप कब आएंगे? हम कहे अब अगला जन्म लेंगे तब आएंगे। जब भाई खत्म हो गए हम। हाँ, हमारे नरसिंह जी हैं। एक बार इनके दिमाग में आया कि हम फिल्म बनावें, तो अपने औरत से कहें कि चलो तुमको हीरोइन बना रहे हैं फिल्म में। कहे कि ठीक है चलिए। तो क्या करना क्या है? क्या पानी में आधा घंटा खड़ा रहना है, एक शूट कर लेंगे, बस काम खत्म। तो शूट किए कई बार, कट कट कट, जब नहीं हुआ तो वो निकल के आई, कहें कि हमको कब से बेवकूफ़ बनाए हो, कौन सा फिल्म बना रहे हो? तो कहे कि फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। तो इनकी पत्नी भी एक बार कही कि
हम फिल्म बना रहे हैं, चलिए आपको हीरो बनाएंगे। कह कि चलिए ठीक है, कह देखो तुमको नदी से अपने अंजलि में जल ले आना है और दरवाजे पर छिड़कना है, बस इतने सीन है। जाओगे नदी, जल ले आओगे, दरवाजे पर छिड़कोगे। ये जो छिड़कने लगे ले जा करके, तो वो भी अपना कट अभी नहीं ठीक हुआ, फिर से फिर कट नहीं ठीक हुआ। तो ये पूछे कि तुम कौन फिल्म बना रही हो, तो कही कि हम फिल्म बना रहे हैं धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुआ करती हैं। आइए देखिए, एक बार की बात है कि कुछ पुलिस वाले डकैतों का पीछा किए थे। डकैत भाग रहे थे जंगल में, बहुत दूरी जब हो गई तो डकैतों ने देखा कि कुछ साधु सन्यासी तीन चार चार पांच ठो चले जा रहे हैं, और जब जा रहे थे तो उन सबों को पकड़ करके उनका ड्रेस अपने पहन लिए, उनको पेड़ में बांध दिए और पूछ लिए कि कहाँ जा रहे हो, तो बताए फला गांव में प्रवचन करने। वो सब वहाँ पहुँच गए। वहाँ बड़ी इंतजारी हो रही थी कि भाई प्रवचन करने स्वामी जी अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। जब भी पहुँचे तो सब लोग खुश हो गए और आयोजक ने कहा कि तुरंत मंच पर चलिए, भीड़ जुटी हुई है और बहुत परेशान है भीड़ प्रवचन सुनने के लिए। तो ठीक है, वो तुरंत आके मंच पर बैठ गए, अपने चेलों को बैठा दिए भीड़ में और शुरू किए अपना प्रवचन। बोले संत जनों, सालों, तो सब घबराने लगे, बड़ा कोको लोलो हुलने लगा, अरे पागल है काई। फिर कहा सालों, तब सब आयोजक से कहने लगे कहाँ से पकड़ लिया है। कह सालों बाद हम आए हैं। फिर बोले कमीना, तो कह रही तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई, ये कौन प्रवचन है। कह कमीना, फिर थोड़ी देर के बाद कह कमी ना हो आप भगत में, स्वागत में कमी ना हो। तो ऐसे ऐसे भी संत होते हैं जो डकैत संत जब हो जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तब वो प्रवचन शुरू किए अपना, कि देखिए आज हम नया प्रवचन शुरू कर रहे हैं, अब पुराने विधा से नई नए विधा सुनाएंगे। जब सीता जी का हरण करने दुशासन गया, तो एक आदमी उठ के कहा अरे स्वामी जी दुशासन नहीं, वो दशानंद था। कहे शिष्यों इनको ले जाकर पोथी दिखाओ। तो दो शिष्य उठे, एक को पकड़ के जो बोला उसको उठा करके पीछे ले गए और दे भका भक ले आके बैठा दिए। थोड़ी देर में वो कहने लगे कि जब द्रौपदी के चीर का हरण दशानन कर रहा था, तो दूसरा बोला कि अरे स्वामी जी दशानन नहीं था, वो दुशासन था। तो कहे इसको भी दिखाओ पोथी। तो उसे फिर उठाए तो इत्तेफाक से उसी को उठा लिए। तो कह रहे हमने देख लिया है, देखे देखते देखते आँख सूज गई है। तो ऐसे ऐसे बाबा हो जाएंगे जब, तो देश का कल्याण होगा। अब आप लोग समझिए। तो आइए बाबाओं पर एक कविता। एक लड़का पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर रहा था, नौकरी नहीं लग रही थी, तो सोचा कि मैं बाबा ही बन जाऊं तो अपने पिताजी से क्या निवेदन कर रहा है। देखिए कविता देखिएगा, अभ्यंग देखिएगा। कि इला तू अपन आबा काबा, बाऊ अब हम बन बाबा, बाऊ कहे काहे बाबा तू बनब, बने क कौन तू जुक्ति निकलब, तनि हमहू के ई समझाव, बेटा तू काहे बनब बाबा, बेटा कहे इमन बहुत हम मस्ती, गोड़े पर गिरलन एक अक्ठे हस्ती, फिर जितना चाहे उतना भिड़ावा, बाऊ अब हम बनब बाबा।
पहले दस हराफा मेहरारू लहाइब, सबहन के एक एक पंसौआ थमाइब, कह देव मुअक्किल फसावा बाऊ अब हम बनब बाबा। आगे रही नात न पीछे रही पगहा, मठ के नाम पर हर पब कई बिगा, फिर चढ़े लगी चौचक चढ़ावा बाऊ अब हम बन बाबा। साँझ सवेरे रोज प्रवचन भी होई, ऊपर से संत रह भीतर बहनोई, गरम रही 24 घंटा तावा बाऊ अब हम बन बाबा। प्रवचन भी देव और आँख भी सेकब, जौन माल जची ऊपर फूल भी फेंकब, चेलन से कह दे पहुँचावा बाऊ अब हम बन बाबा। जे के न लैका ओ के लैका हो आईब, अब भुईधरा में ले जाके मंत्र जगाईब, भूजब भर साई में लावा बाऊ अब हम बन बाबा। डॉक्टर साहब आपको कुछ कह रहे हैं का वो? बाबू कहें बेटा बाबा जिन बनिया, अपने हाथे अपन कबर जिन खनिया, नहीं तो हूँ वही में घुस जाबा बेटा तू जिन बन बाबा। बाबा जब बनब तंबू भी तनब, आ तंबू में अपन लकड़ बम्बू भिड़ब, फिर एक दिन बहुत लात खाब बेटा तू जीन बन बाबा। बनही के होत एक ठे गुरु लहाव, जैसे उ भिड़ावलन वैसे भिड़ाव। बनही के होत एक ठे गुरु लहाव, जैसे उ भिड़ावलन वैसे भिड़ाव, बल्कि राधे माँ के ही पुटियाव बेटा तू ऐसन बन बाबा। आगे देखिएगा कि हम तो कहब राजनीति में जैत, व्यंग देखिएगा, हम तो कहब राजनीति में जैत, चारा भी खैत और संपत्ति बनैत, बल्कि लालू से हाथ मिलाव बेटा तू ऐसन बन बाबा। हमार तू मानत जोगी से मिल, हमार तू मानत जोगी से मिल, बाबा भी रह राजनीति भी कर, फिर अपने मन का सरंगी बजावा बेटा तू ऐसन बन बाबा। और अंतिम पंक्तियाँ कि कमलिया पंजा के धंधा के पकड़, दोनों हाथे साइकिल का हैंडल तू जकड़, या हाथिए के पोंछ सोहरावा बेटा तू ऐसन बन बाबा। एक रचना और सुना के स्थान लूंगा और हम संचालक जी को बुलाऊंगा। देखिए ये व्यंग आप देखिएगा कि व्यंग वास्तव में क्या होता है, मैंने कोशिश किया है लिखने का कि घुड़रोज से परेशान किसान और नेता से परेशान हिंदुस्तान, इसी के इर्द गिर्द कविता घूमेगी। आप लोग समझदार हैं, समझ जाए।
जाएंगे। एक दिन एक घोड़ोरोज खेत में किसान से जाके कर लिया बहस। बोला क्यों बे, तू किसान का बच्चा है, रोता क्या है हंस। किसान कहे क्या साले, तू फिर आ गया चरने, तेरे चक्कर में कई दिनों से हम दे रहे यहाँ पर धरने, पूरा खेत चर के साले कर दिए बेबस, सब कर रोता क्या है हंस। घोड़ोज कहे कि भाई हम 5 साल तक सरपोटे और सरपोटते इतने हो गए मोटे कि एक दिन अपने घर के दरवाजे में गए सड़स, रोता क्या है हंस। हम तीन महीना चिल्ला के पहुँचते हैं लखनऊ दिल्ली, फिर 5 साल तक रखते हैं तुमको बना के भींगी बिल्ली, और तुम लोगों को दिखाने के लिए केवल संसद में होती है बहस, रोता क्या है हंस, रोता क्या है हंस। हवाला और घोटाला का कितनों अभियोग लगाओगे, मगर नोट तो हूँ विदेश में रखे, उसको कहाँ से पाओगे। देश हमारा हम बेच के खा जाएंगे, तू राष्ट्रभक्ति में फंस, रोता क्या है हंस। रावण के खानदान से ज्यादा हम है बाहुबली, वो तो बस 10 मुहा था, हम घोड़मुहा है असली। सीबीआई भी कुछ उखाड़ न पाई, हम है जस के तस, रोता क्या है हंस। प्लेटफार्म का कुत्ता समझ के कितनों दूर भगाओगे, मगर भगा के जब आओगे तो उसी जगह पर पाओगे। गुस्सा आया तो नोच लेंगे, खा जाओगे गस, रोता क्या है हंस। दंगा और फसाद के जड़ में हमको ही तुम पाओगे, दंगा और फसाद के जड़ में हमको ही तुम पाओगे, हम तो जेल में जाकर निकल जाएंगे, तुम उसी में सड़ जाओगे। ये अंगद का पाँव है बेटा, न होगा टस से मस, रोता क्या है हंस। डिवाइड एंड रूल के बल पर करते हैं हम खेती, हम तो तुम्हारे लाश पर भी सेक लेते हैं रोटी, हम तो तुम्हारे लाश पर भी सेक लेते हैं रोटी, फिर गांधी के खादी पर छिड़क लेते हैं खस, रोता क्या है हंस। गंगा के सफाई वास्ते नोट भी खूब आ जाता है, मगर गंगा साफ होने के पहले नोटवे साफ हो जाता है। हमारे पर कोई फर्क नहीं है, जस लगे या अब जस, रोता क्या है हंस। बिजली वास्ते चाहे तुम जितना चिल्लाओगे, मगर जितना हम देंगे बस उतना ही पाओगे। हम एसी में मौज करेंगे, तुम पंखा के लिए तरस, रोता क्या है हंस। नोट की कमी पड़ी अगर तो चेकिंग अभियान चलाएंगे, नोट की कमी पड़ी अगर तो चेकिंग अभियान चलाएंगे, और जिसका जिसका बाकी है उसका उसका कटवाएंगे, और ज्यादा बने ज्यादा बोले तो FIR करा देंगे, चिंगुर जाएगी नस, रोता क्या है हंस। और देखिएगा, अगर ये पंक्तियां आपको कहीं छू जाए तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा कि हम सब तो घोड़ोरोज हैं, भले ही रोज लड़ते हैं, मगर जब खेत चरने का समय होता तो एक के साथ चरते हैं। हम सब तो घोड़ोरोज हैं, भले ही रोज लड़ते हैं, मगर जब खेत चरने का समय होता है तो एक के साथ चरते हैं, और जिसके पीछे पड़ते हैं उसको कर देते हैं तहस नहस, रोता क्या है हंस। और हम घोड़ोरोज एक जात के, हमको फोड़ न पाओगे, और तुम सब तो हो कई जात के, लड़ते लड़ते मर जाओगे। अभी हम लोगों को समझने में तुम लोगों को कर लगेंगे कई बरस, रोता क्या है हंस। हम घोड़ा थोड़े हैं जो बेवकूफ हमें बनाओगे, और हॉर्स पावर का झांसा देके टांगा तक खिंचवाओगे। ये बिहाया का पेड़ है बेटा, न होगा टस से मस, रोता क्या है हंस। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा कि हम कभी लोग व्यवस्था पर चोट करते हैं, हम लोग किसी दल के नहीं होते, ना मेरा कोई दल है, न मैं किसी दल का हूँ, न मेरा कोई दल है, मैं एक छोटा सा हास्यव्यंग का कवि हूँ, मेरा नाम कमलेश्वर कमल है। तो अंतिम पंक्तियाँ देखिएगा कि हम कमल को लेके पंजा में हाथी पर चढ़कर आएंगे, हम कमल को लेके पंजा में हाथी पर चढ़कर आएंगे, अपने एसी कार में बैठ के साइकिल तुमसे चलवाएंगे, हम तो झाड़ूओ लगाकर पेश करेंगे आदर्श, रोता क्या है हंस, रोता क्या है। आइए अभी तक